हेलो एवरीवन, जब घर में कोई भी सब्जी ना हो सुबह के लंच के लिए जल्दी जल्दी में, तो एक यूनिक सी सब्जी बनाए, बहुत ही टेस्टी लगेगी और बहुत जल्दी से बन भी जाएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ 4 प्याज चाहिए और 5 टमाटर चाहिए। क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जो प्याज का ऊपर वाला पार्ट होता है ना, इसको काट कर दें, क्योंकि जब हम प्याज को फ्राई करते हैं ना, तो इसके लच्छे अलग नहीं होते हैं, तो वो सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और मोटे मोटे प्याज आपको इस तरीके से कट करने हैं, इस तरीके से। मैंने सिर्फ 3 पार्ट करे हैं इसके, इतनी मोटी वाली प्याज के। ये वाला पार्ट निकाल देती हूँ, जो लच्छे हैं बड़ी आसानी से अलग हो जाएंगे। टमाटर के बीज निकाल के मैंने इसको भी कट कर लिया है। अब हमने करा है गैस पे, एक रख दी कढ़ाई, इसमें डाल रही हूँ मैं सरसों का तेल। आप जो भी तेल खाते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें डाल दिए प्याज। तो प्याज को हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, फुल फ्लेम पर इसको सिर्फ हल्का सा रोस्ट करना है। तो ये देखिए, थोड़ी देर बाद ही जो इसके लच्छे हैं ना, अपने आप सारे अलग हो गए हैं, ये देखिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। तो इसके बीज मैंने पहले से निकाल लिए हैं, आपको इस सब्जी में बीज का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हमें इसको फुल फ्लेम पे बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करना है टमाटर को भी। और अभी इसमें नमक का यूज़ आपको नहीं करना है। तो मैंने इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में। तो जो पूड़ी वाली छन्नी होती है ना, उससे निकालें, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो कढ़ाई में रह जाए। ये देखिए, मैंने आधा निकाल लिया, थोड़ा सा कढ़ाई में छोड़ दिया है। इसमें आधा चम्मच जीरा, कुछ तेज पत्ते हैं इसको मैंने काट लिया है, 2 से 3 लहसुन की कलियाँ हैं, काली मिर्च, लौंग, और यह दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी अदरक। इन मसालों को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे हल्का सा रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, इनमें से स्मेल आने लगेगी वरना। और मैं इसमें डाल रही हूँ 5 काजू। जब ये मसाले भून जाए ना, आपको काजू का इस्तेमाल उस टाइम करना है, इससे बहुत ही क्रीमी सा टेक्स्चर आता है और सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। ये ऑप्शन है, अगर आपको पसंद हो तो डालें, वरना इसे स्किप कर दें। इसकी हमें पेस्ट बनाना है, तो मैंने इसकी एक पेस्ट बना ली है, बहुत ही क्रीमी सा पेस्ट बनाया। मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया है, थोड़ी सी डाली हल्दी, और ये डाली मैंने कसूरी मेथी। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनना है आपको। अब जो हमने पेस्ट बनाया था ना, वो मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया है। गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखनी है, फुल पे आपको ये मसाला नहीं भूनना है। जितना अच्छा आप मसाले को भूनोगे, सब्जी उतनी ही टेस्टी बनेगी। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है मैंने इसमें नमक। इसको भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पे भून रहे हैं। अब यह है फ्रेश मलाई, जो दूध के ऊपर आती है ना, उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, क्रीमी क्रीमी। एक बार आप ज़रूर डाल के ज़रूर सब्जी बनाएं, यकीन मानिए सब तारीफ़ करते रह जाएंगे। सुबह सुबह के लिए जब कभी कोई सब्जी ना हो, तो आप इसी तरीके की सब्जी बनाएं, सबको पसंद आएगी। तो ये देखिए, हमारे मसाले से जो तेल है ना, वो अलग से सेपरेट हो गया है। मसाला भी बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब जो हमने निकाले थे ना प्याज और टमाटर फ्राई किए थे, वो डाल दें। एक और बात, जब भी आपका मसाला भुन जाए, तो आपको ना बहुत तेज़ नहीं चलानी है सब्जी, बस हल्का सा इसको मसाले में मिलाना है। 3 मैंने हरी मिर्ची कट करके डाली है, थोड़े से लहसुन के लंबे लंबे टुकड़े कट करके डाले हैं। तो ये देखिए, अब मैं इसको ढक के सिर्फ 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे हल्का सी भाप लगाऊंगी, बस पकाना नहीं है, क्योंकि इस सब्जी में क्रंचीपन बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, जो मेरी सब्जी थी ना, बन के रेडी हो गई है लंच के लिए। तो चलिए हम इसे करते हैं फटाफट से सर्व। पहले मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए मैं आपको सर्व करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसका लुक, वाव, कितनी अच्छी सब्जी बनी है, जितनी अच्छी देखने में लग रही है। फ्रेंड्स, आप ये पूरी, पराठे किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं, सबके लिए बनाइए, सबको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।